तो आप सभी ने इन पिक्चर्स को देखी होगी और आपके मन में भी आया होगा कि ये क्या नया बन रहा है। बहुत लोगों का मानना है कि ये WP5 है अगर इसके व्हील सेट्स को देखा जाए तो। यहाँ यही देखने को मिलता है कि इस लोकोमोटिव में बोबो टाइप अरेंजमेंट है, मतलब दो बोगीज़ और दोनों ही बोगीज़ में दो इंडिपेंडेंट व्हील एक्सल। खैर बात करें पावर की तो इस लोकोमोटिव के बारे में यही न्यूज़ मिल रही है कि दो अलग अलग लोकोमोटिव्स होंगे जिसमें करीब 4000 HP का पावर होगा और दोनों ही पुश पुल मोड में चलाए जाएंगे, यानी एक लोको आगे की तरफ होगा और दूसरा पीछे की तरफ। एरोडायनेमिक लुक से एयर ड्रैग कम होगा और ट्रेन को अच्छा एक्सेलरेशन मिलेगा। अब दूसरी बात यह है कि क्या ये ट्रेन 20 हो सकता है? अगर ट्रेन 18 को देखा जाए तो उसमें कोई लोकोमोटिव नहीं है। यहाँ हर एक अल्टरनेट कोचेज में मोटर कार्स लगे हैं जो एक साथ ट्रेन को आगे चलाते हैं। अगर ट्रेन 20 ट्रेन सेट्स होने वाली है जैसा कि खबर में आई थी तो ये ट्रेन 20 बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ एक लोकोमोटिव दिख रहा है। गौरतलब है कि 1995 में ABB स्विट्जरलैंड से हमने 10 लोकोमोटिव मंगाए थे जिसको हमने WP5 का नाम दिया था। उसके बाद हम खुद इसका प्रोडक्शन करते हैं। WP5 में हमने कई सारे बदलाव किए और अभी इस लोकोमोटिव को देखकर यही लगता है कि ये WP5 का ही एक नया वर्जन है जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी इंडियन रेलवेज अपनी प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने पे गौर कर रही है। बात करें दिल्ली मुंबई सेक्शन, दिल्ली हावड़ा सेक्शन पे, तो ट्रेनों का संचालन जो है वो और तेजी से हो सके इसके लिए काम शुरू भी हो गया है। आपने सुना होगा कि न्यू दिल्ली हावड़ा सेक्शन पे जो राजधानियां हैं उनको पुशपुल टेक्निक देने की बात चल रही है और काफी ट्रायल्स भी हुए, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले वक्त में ये लोकोमोटिव राजधानी एक्सप्रेस के साथ जुड़कर और गति प्रदान करेंगे। पुशपुल टेक्नोलॉजी जाहिर तौर पर सफल टेक्निक है और रेलवे यकीनन सोच रही है कि इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। और रही बात ट्रेन 20 की, तो जैसे अभी हालात है देश में, ट्रेन 20 तो 2020 में नहीं आने वाले, क्योंकि इस वक्त सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देश के लिए वेंटिलेटर्स, बेड्स, मास्क और जरूरी चीजें बना रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।